अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, आज मैं बना रहा हूँ सर्दियों की सौगात यानी साग। तो शुरू कर लिया हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको, तो काट रहा हूँ और साथ ही काट के मैं इसको खुले पानी के अंदर शामिल करूँगा ताकि ये अच्छे से धुल जाए। तो इसको ऐसे धोएंगे, थोड़ा ऐसा गर्म पानी मैंने लिया है और उधर पतीले के अंदर भी मैंने गर्म पानी थोड़ा सा डाल दिया है। इसको धोने के बाद उधर शिफ्ट कर दूंगा मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आ गया पतीले के अंदर। इसी तरह से मैं सारे साग को और पालक को काट के जो है उसके अंदर डाल देता हूँ पतीले के अंदर। साग हमारा सारा चला गया अंदर पानी के। अभी मैं शामिल करता हूँ हल्दी एक चम्मच और इसके साथ ही मैं शामिल करता हूँ नमक, तकरीबन दो चम्मच मैंने शामिल कर दिया है। इंशाल्लाह हसबे जरूरत बाद में देख लेंगे। छोड़ो बच्चे, अभी मैं इसको ऊपर से ढांप देता हूँ इसको उबलने तक। जी अल्हम्दुलिल्लाह, देख सकते हैं साग हमारा जो है गल गया है। थोड़ा सा पानी ज़्यादा था वो हमने ऊपर से उतार लिया है। अभी मैं इसको रगड़ा लगाऊंगा इंशाल्लाह ऐसा कि ये बारीक हो जाएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, साग हमारा मिक्स हो गया है। अभी मैं इसके अंदर शामिल करता हूँ थोड़ा सा बेसन। इसको हमने पानी के अंदर भिगो लिया है। कुछ माएँ बहनें या दोस्त जो है वो गंदम का आटा शामिल करते हैं, लेकिन मैं गंदम का आटा नहीं शामिल करता। आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इससे जो है ये थोड़ा सा मिक्स सही तरीके से हो जाता है, इसलिए ये शामिल किया है बेसन। ये भी मैं शामिल करता हूँ सब्ज मिर्च। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। नमक का आप हसबे जरूरत कम या ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, साग हमारा बिल्कुल तैयार है। अभी आप तड़का लगाना चाहें तो जैसा भी तड़का आपको पसंद हो आप वो लगा सकते हैं। हम तो खाली अदरक का लगाते हैं। तो ये थी आज की मुख्तसर सी वीडियो। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।